हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि क्या होता है और उसके कुछ स्टेप्स के बारे में देखेंगे। सो बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन और नॉन डिस्ट्रक्टिव एवलेशन नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी है। और ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए होती है विदाउट कॉजिंग द डैमेज। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोग जो कंपोनेंट का टेस्टिंग करते हैं उसमें डैमेज नहीं होता है, और डैमेज के बिना हम लोग उस कंपोनेंट को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वी फाइंड दैट After the testing, the specimen or the component on which you are going to test is not useful for your further purposes. Okay. So there are basically six most frequently used non-destructive testings. Just like eddy current testing, magnetic particle based testing, liquid penetrant testing, aerographic testing, ultrasonic and visual inspection. Okay. So let us start with your visual inspection. So basically visual inspection is the most widely used non-destructive testing. Basically इसमें आप visually किसी component को देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई किसी तरह के damage तो नहीं, surface defects तो नहीं है, welding defects कहीं किसी जगह पे poor welding हो रखी है, बेकार तरीके से हमारी वेल्डिंग हो रखी है, उसको पता कर सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू। कोरोजन को पता करने के लिए है, किसी जगह पे फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है किसी सरफेस के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है बाय यूजिंग योर विजुअल इंस्पेक्शन आप सीधे देख के उससे पता लगा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज करे जाने वाली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। इसमें कई बार हम लोग सीधे विजुअलाइज करने के साथ साथ कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज करते हैं। तो सो If we class, we want to classify types of visual inspection, we can classify visual inspection in two parts. First one is unaided visual inspection and second one is your aided visual inspection. Okay. So, unaided visual inspection को हम लोग कई बार direct inspection भी बोलते हैं. और aided visual inspection को हम लोग कई बार इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन एंड एडेड विजुअल इंस्पेक्शन। इन अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग जो है सीधे सीधे विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वी यूज टू सी द कंपोनेंट जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है, सीधे अपने नेकेड आइट से देखने की कोशिश करते हैं कि उस सरफेस पे कोई इस तरह का डिफेक्ट तो नहीं। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ अवॉइडेड विजुअल इंस्पेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, वी यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेम, जस्ट लाइक मिरर्स एंड सम मैग्नीफाइंग ग्लासेस, लो पावर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। सो इस तरह से हम लोग जो है कई बार मिरर्स का यूज करते हैं कि आप जैसे इस वाले कंपोनेंट में हम लोग जो है सीधे इस जो इंटरनल सरफेस को नहीं देख पा रहे हैं, इन दैट केस वी कैन यूज मिरर्स टू सी द इनर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। और समटाइम्स फॉर बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस का आप पिक देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। सो बेसिकली ये आप जो है छोटे से पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं, देन यू आर गोइंग फॉर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप वी यूज लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर से मेरा मतलब है कि इसमें जो है विजुअलाइजेशन हम जो है कम मैग्निफिकेशन के साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप ऑल्सो यू आर गोइंग विद विजुअल इंस्पेक्शन। एंड समटाइम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक बोरोस्कोप जो है इस तरह से होता है, कुछ बोरोस्कोप इस तरह से दिखता है। इसमें एक डिजिटल स्क्रीन होगी, साथ में एक कैमरा फिटेड जो है आपके पास पाइप टाइप के होता है, इसमें यहाँ पे इस पर कैमरा होगा। इस तरह के सेम इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग कई बार हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जिसको हम लोग एंडोस्कोप बोलते हैं। तो बेसिकली एंडोस्कोप में हम लोग आप
आपकी बॉडी के अंदर जो है डॉक्टर आपके माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर देखने की कोशिश करता है बाय यूजिंग एंडोस्कोप। सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज योर बोरोस्कोप विच इज शोन हियर। इट इज वेरी विजुअल इंस्पेक्शन इज वेरी वाइडली यूज एंड मोस्ट कॉमन वन और ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ओके, देर इज नो नथिंग न्यू इन केस ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। वी यूज टू डू इट ऑन डेली बेसिस। हम लोग मतलब डेली डेली किसी न किसी तरह से विजुअल इंस्पेक्शन किसी न किसी चीज़ का करके देखते हैं कि ये चीज़ सही है कि ये कहीं पे क्रैक तो नहीं, इस तरह से। अब जो हमारे पास अब ये इजी है, ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। और इस डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये हर तरह के इंस्पेक्शन का और मतलब डिटेल्ड इंस्पेक्शन के लिए नहीं यूज हो सकता है विजुअल इंस्पेक्शन। सो जनरली व्हाट यू डू इन इंडस्ट्री, वी गो फॉर विजुअल इंस्पेक्शन एंड लेटर वी गो फॉर अदर टाइप ऑफ इंस्पेक्शन ऑल्सो आफ्टर डूइंग विजुअल इंस्पेक्शन। सो द मेन वन टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज लिक्विड पेनिट्रेंस इंस्पेक्शन विच इज ऑल्सो नोन बाई द नेम डाइन पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन एंड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ओके, तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को बाई यूजिंग सम टाइप ऑफ डाइज एंड डेवलपर्स वी यूज टू विजुलाइज दैट सम टाइप्स ऑफ क्रैक इज नॉट देयर इन द वेदर देयर इज सम टाइप ऑफ क्रैक इन द कंपोनेंट और नॉट। तो बेसिकली ये जो है वाइडली अप्लाइड लो कॉस्ट इंस्पेक्शन है, चेक सरफेसेस करता है और जो क्रैक्स वगैरह हैं ऑन द नॉन पोरस मटेरियल्स ओनली। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मटेरियल विच फॉर विच यू आर गोइंग टू डू लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन दैट इज नॉन पोरस, यानी वो उसमें पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं या फिर पोर्स टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मेटल्स में भी यूज होता है, प्लास्टिक्स के लिए भी यूज होता है, सेरेमिक्स के लिए भी यूज होता है। और बेसिक प्रिंसिपल है इसका और लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन इज योर कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन बेसिकली इट इज अ टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इन केस ऑफ कैपिलरी बाई बेस्ड ऑन कैपिलरी रिएक्शन जो है आपका जो लिक्विड है वो किसी छोटे छोटे पोर्स में बाय यूजिंग योर कैपिलरी एक्शन किसी तरह से उसमें इंसर्ट होता है। तो हम समझते हैं कि ये इंस्पेक्शन किस तरह से होता है। अब तो प्रोसीजर को अगर हम देखें तो देयर आर दीज स्टेप्स विच यूज टू फॉलो इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड पेनेट्रेंस इंस्पेक्शन। फर्स्ट वन इज योर क्लीनिंग ऑफ द सर्फेस। ओके, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो जिस चीज़ पे भी हमें लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन करना है हम उसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं बाय यूजिंग सम टाइम ऑफ लिक्विड। आप जो पानी से धो सकते हैं या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े से, उसमें से जो ग्रीस है, ऑयल है या फिर किसी तरह की डर्ट है उस सरफेस के ऊपर से, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सिंपल है बट इट इज़ ए वेरी क्रूशियल स्टेप इन केस ऑफ लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट। अब अगर आपने ये क्लीनिंग नहीं करी है इन दैट केस दी लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन इज गोइंग टू गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस सरफेस पे लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन करना चाहते हैं उसको ढंग से क्लीन कर लें। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो हमने उसमें बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ लिक्विड जैसे जस्ट लाइक वाटर हमने उसको क्लीन करा है तो उसको ड्राई करने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में उसमें एक तरह का डाई पेनेट्रेंट यानी ये एक तरह का कलर टाइप का कलर होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कलर टाइप के और लिक्विड होगा उसको जो है पेनेट्रेंट होता है बेसिकली, इसको जो है क्लीन सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये दो तरीके से आता है, या तो ये लिक्विड सॉल्युबल पेनिट्रेंट होगा या तो फ्लोरोसेंट होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, लिक्विड सॉल्युबल पेनिट्रेंट जो है आपके एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन यू कैन सी डायरेक्टली। ठीक है, उसमें आपको साफ साफ पहले से ही दिख जाएगा कि ये जो है आपका इस तरह से क्रैक आ रखा है। इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, जब एट द एंड ऑफ द इंस्पेक्शन आपको सम टाइप ऑफ यूवी वेव्स और स्पेशल टाइप ऑफ लाइट डालनी पड़ेगी कंपोनेंट के ऊपर टू सी द फ्लोरोसेंट। ठीक
ठीक है। फ्लोरोसेंट क्या होता है कि ये चमकने वाले कुछ आप समझ सकते हैं इस तरह से कि उस चमकने वाले वो होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ रेस में जैसे यू अल्ट्रावायलेट रेस में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये वाला जो स्टेप है ये काफी क्रूशियल है इन दिस केस, जो हम जो आपके पेनिट्रेंट लगा रहे हैं ठीक है सरफेस के ऊपर, उस वो उसको लगभग हम अप्रोक्सीमेट 10 to 30 मिनट्स इस तरह से जो है काफी देर तक उसको जो है पेनिटेंट को अप्लाई करके उसको इस तरह से छोड़ देते हैं, ठीक। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि मतलब बहुत ही ढंग से और बहुत ही आराम से जो एक्स्ट्रा पेनिटेंट है उसको सरफेस के ऊपर से हटा लेते हैं बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स, ताकि हमारे जो है जो क्रैक के अंदर पेनिट्रेंट जो बच गया है उसको हम लोग ढंग से निकाल पाए। इसके बाद वी अप्लाई द डेवलपर ऑन द सरफेस, जो कि पेनिट्रेंट जो है हमारा सरफेस के अंदर जो क्रैक्स में चला गया है उसको डेवलपर बाहर लाने की कोशिश करता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, तो लेट्स गो विद द डायग्राम। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, ये आपके पास कोई कंपोनेंट है सपोज करिए, इसका आपको लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट करना है और इसके ऊपर इस तरह से क्रैक है, ये क्रैक काफी बड़ा दिखाया है बट क्रैक्स काफी छोटे छोटे होते हैं, ये विजुअलाइजेशन के लिए है खाली। तो इसमें कुछ इस तरह से डर्ट वगैरह होगी या फिर ऑयल होगा, तो इसको आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले क्लीन कर लेंगे इस तरह से। तो क्लीन कर लेंगे देन ये क्या होगा, ये जो इसमें डर्ट है और ये जो ऑयल है ऑयल वगैरह है ग्रीस वगैरह है इट गोइंग टू रिमूव, ठीक है। इसको ढंग से साफ कर लेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं, बेसिकली कलर टाइप का होगा, कुछ पेनिट्रेंट होता है स्पेशल टाइप पेनिट्रेंट यूज करते हैं कलर, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कलर, बट दे आर सम टाइप ऑफ लिक्विड विच यूज फॉर दिस एप्लीकेशन ओनली, ओके। तो इस तरह से हम लोग पेनिट्रेंट को ढंग से अप्लाई करते हैं, उसको काफी देर तक इस पेनिट्रेंट को इसमें जो है कंपोनेंट के कांटेक्ट में रहने देते हैं, ठीक है। लगभग 10 से 30 मिनट या फिर इससे ज्यादा, मतलब काफी देर तक इसको हम लोग ड्वेल टाइम जिसको बोलते हैं, ड्वेल टाइम मतलब जो खाली टाइम है उस टाइम में हम लोग इसको लिक्विड पेनिट्रेंट को इसके अंदर एब्जॉर्ब होने देते हैं। उसके बाद वी सॉफ्टली रिमूव द एक्सेस पेनिटेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपर सरफेस पे आपको पेनिटेंट दिख रहा है इसको हम स्लोली स्लोली इस तरह से रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सरफेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बहुत ही जेंटली क्लीन करना, अगर आप बहुत मतलब हार्ड हार्ड क्लीनिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो पेनिट्रेंट इनसाइड द क्रैक गया है इट इज गोइंग टू रिमूव, ओके। तो हम लोग बहुत जेंटली जो एक्सेस पेनिट्रेंट है बहुत ही जेंटली जेंडर तरीके से इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हो जाएगी सरफेस। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी यूज टू अप्लाई सम टाइप ऑफ डेवलपर। डेवलपर का काम ये होता है कि जो आपके पास जो क्रैक्स में लिक्विड पेनिटेंट है उसको सरफेस पे लाने का काम जो है डेवलपर का, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपर हम अप्लाई करते हैं, ये जो है डेवलपर पाउडर फॉर्म में भी आते हैं लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। आफ्टर दैट हमें क्या होगा कि ये जो डेवलपर है ये जो लिक्विड पेनिटेंट है इसको सरफेस पे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो क्रैक के आसपास है इस तरह से लिक्विड पेनिटेंट थोड़ा सा सरफेस के ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने लिक्विड सॉल्युबल पेनिटेंट लिया है कि फ्लोरोसेंट बेस्ड पेनिटेंट लिया है, कि अगर लिक्विड सॉल्युबल पेनिटेंट होगा तो यू कैन हम लोग सीधे अपने नेकेड आई से देख पाएंगे कि यहाँ पे उस तरह से कुछ कलर जो है एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे क्रैक वाले पोर्शन पे आ जाएगा। इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट बेस व्हाट वी नीड टू डू, यू विल अप्लाई सम टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेजेस और सम स्पेशल टाइप ऑफ रेजेस, कि वो जो है फ्लोरोसेंट क्या करता है स्पेशल लाइट्स में इस तरह से चमकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई क्रैक है, तो इस तरह से कंपोनेंट हमें दिखने लग जाता है जैसा ये फिगर में आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये लिक्विड पेनिटेंट के थ्रू आपने इंस्पेक्शन करने की कोशिश करी, आपको हमें ये लग सकता है कि ये बहुत इजली टू विजुअलाइज हमें ये पेनिटेंट की क्या जरूरत है। तो फॉर दैट आई हैव गिवन सम फिगर, दिस इज द कंपोनेंट फॉर विच वी आर गोइंग टू डू सम टाइप ऑफ लिक्विड पेनिटेंट टेस्टिंग। आफ्टर द पेनिटेंट टेस्टिंग जहाँ ये देखिए यहाँ पे ये जो है इस तरह से क्रैक दिख रहा है, जो इजली हमें ये नहीं पता चला कि कितना बड़ा क्रैक है और कहाँ कहाँ पे है, तो ये आला तो तब भी एक तरह से विजुअलाइज हो जा रहा है बट
सम क्रैक्स लाइक दिस वन यू कैन नॉट इजली विजुलाइज, ठीक है। तो हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये ढंग से यू कैन सी इजली कि हमारे पास जो क्रैक है वो इस तरह से या फिर फ्लॉ जो है सरफेस के ऊपर इस तरह से बन रहा है। तो कई बार जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स में दीज टाइप ऑफ फ्लॉज आर वेरी क्रूशियल, जस्ट लाइक इन केस ऑफ टर्बाइन, इफ सम सिंपल क्रैक्स आर इवन इन ब्लेड्स के ऊपर हल्का सा भी क्रैक हुआ इस तरह का, देन इट इज ए वेरी डेंजरस फॉर द टर्बाइन ब्लेड्स, ओके। सो हम लोग इस तरह से ये देख सकते हैं कि लिक्विड पेनिट्रेंस टेस्ट के थ्रू हम लोग जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के। तो ये सबसे पहली चीज कि ये जो है हर तरह के ऑलमोस्ट हर तरह के कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट, वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, इवन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक टाइप के मटेरियल्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के ऑलमोस्ट किसी भी तरीके के मटेरियल्स के लिए यूज सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है काफ़ी तेजी से आपको मिलते हैं, सिंपल है और आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और बहुत कॉस्टली नहीं होता ये, वेरी इट इज़ वेरी चीप प्रोसेस, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट नहीं है, क्योंकि मेनली इसमें यह है कि किसी तरीके का आपका डिस्प्ले यूनिट और ये सब इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज, तो ये कॉस्ट इसकी काफ़ी कम होती है इस वजह से। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात कि क्लीनिंग ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बिफोर द टेस्टिंग, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि क्लीनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आपने ढंग से क्लीनिंग करी है समटाइम्स इट गोइंग टू इफेक्ट योर रिजल्ट्स आल्सो, ओके। और अगर आपने ढंग से क्लीनिंग भी नहीं करी है तो क्या होता है कई बार जो रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है आफ्टर अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ लिक्विड्स, तो सो क्लीनिंग जो है कंपोनेंट की बहुत ही क्रूशियल है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सम टाइप ऑफ फिल्म और सर्फ जो डर्ट है वो समटाइम आपको रिजल्ट जो है ख़राब दे सकते हैं, सो सेम चीज़ है कि क्लीनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रस्टिंग से बचाने के लिए और दूसरी है कि आपकी जो रिजल्ट गलत ना है इससे बचाने के लिए। इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि ये ओनली सरफेस डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, जो डिफेक्ट जो है सरफेस पे होंगे वो ही खाली आप डिफेक्ट को आप विजुलाइज कर सकते हैं, अगर कोई डिफेक्ट इनसाइड द सरफेस है देन यू कैन नॉट विजुलाइज और सी बाय यूजिंग योर लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। और एक चीज़ और है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर पोरस कंपोनेंट, पोरस कंपोनेंट मतलब जिसमें पोर्स बने हों कंपोनेंट में इस तरह से छोटे छोटे से पोर्स बने हों सरफेस के ऊपर, फॉर दैट पर्पस आल्सो यू आर नॉट दिस टेस्टिंग इज नॉट आल्सो सुटेबल। समटाइम्स पोरस कंपोनेंट जैसे आप अगर पाउडर मेटलर्जी से किसी तरह कंपोनेंट को बना रहे हैं देन आल्सो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है। पाउडर मेटलर्जी में जो कंपोनेंट बनते हैं जनरली दे आर ऑफ पोरस टाइप, सो पाउडर मेटलर्जी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है हम लोग जनरली लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज योर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज ए फैमिली ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन द ऑब्जेक्ट और मटेरियल टेस्टिंग, ठीक है। बेसिकली जिस कंपोनेंट में आपको अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी है उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक से मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस तरह की साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली ये, और जो कि नॉर्मल हम लोग कॉमनली आप जो है जनरली अपने नेकेड एयर से नहीं सुन पाए, मतलब कानों से सिंपली आप जो साउंड वेव नहीं सुन पाते हैं वो है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की एक नॉर्मल जो एयर है वो सुन नहीं पाता है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती है। तो ये जो है टेक्निक बाय यूजिंग दैट साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर है उनको यूज़ करके हम लोग इस तरह का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके सेवरल फंक्शनिंग यूनिट्स हैं,
जैसे पल्सर एंड रिसीवर होता है, इसमें ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें डिस्प्ले यूनिट होती है, इस तरह से डिस्प्ले यूनिट होती है। सीआरओ स्क्रीन है बेसिकली, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले होता है। आपने कई बार इसको जो है इस तरह की डिवाइस को आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप में देखा होगा इस तरह की डिवाइसेस को। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि मेजर द टाइम रिक्वायर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टू पेनिट्रेट मटेरियल ऑन इंटरसेक्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द इंटरनल कंटिन्यूटी एंड रिटर्न पॉइंट फ्रॉम द वेयर इट इंट्रोड्यूस। ठीक है, देखिए इसमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम कि ये सपोज करिए आपने ये जो है ये आपके पास क्वार्ट क्रिस्टल है। क्वार्ट क्रिस्टल बेसिकली ट्रांसड्यूसर है एक तरीके का। ठीक है, ट्रांसड्यूसर है क्वार्ट क्रिस्टल में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की आपको ये वाइब्रेट करके देगा, यानी आपकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी है उसी फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेट जब करेगा तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इस तरह से बनाएगा और आप उसके थ्रू यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या करता है कि सपोज करिए इन केस आपको ये पता है कि ये मटेरियल आपको टेस्ट करना है। ठीक है, और एक मटेरियल के अंदर एक किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर क्या होगा कि ये साउंड वेव की एक स्पीड होगी। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सपोज करिए आपने यहाँ से साउंड जो है इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव भेजी और यहाँ से दूसरी साइड से इस तरह से टकराएगी और वो साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स रिटर्न होकर इस तरह से आपके पास इंस्ट्रूमेंट पे आ गए। अब ये आपको पता है कि इसकी स्पीड क्या है, तो आप एक निश्चित टाइम के बाद ये सोचेंगे कि ये इतने टाइम के बाद ही आनी चाहिए। अगर इसमें कहीं पे डिफेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ये डिफेक्ट है, इसमें डिफेक्ट हुआ तो ये अल्ट्रासोनिक वेव इस तरह से जाएगी और इस तरह से वापस आ जाएगी। तो द टाइम पीरियड जो है इसका इन दिस केस इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसको इतनी इस तरह से इस वाली अल्ट्रासोनिक वेव को ये जो है एक्स्ट्रा टाइम इसमें लग रहा है जो है, जबकि डिफेक्ट वाले उसमें क्या होगा कि ये जो है अल्ट्रासोनिक इस तरह से टकराई और डिफेक्ट से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। तो ये टाइम पीरियड इन दिस केस इज लेस एज कम्पेयर टू दिस साइड। ओके, सो यू कैन डिटेक्ट दैट देयर इज सम टाइप ऑफ डिफेक्ट हियर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक ये सीआरओ स्क्रीन होगी आपके पास, आपने साउंड वेव भेजी, तो अगर ये अल्ट्रासोनिक वेव इस तरह से आपने भेजी और ये इस तरह से ऐसे टकरा के वापस आएगी। ठीक, तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग होगी, यहाँ से आप ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे तो देन सीआरओ स्क्रीन विल शो सम टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन हियर और आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट देयर इज ई बैक इको। जब ये साउंड अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे इस तरह से बैक इको जनरेट करेगा। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन। अब जब इसी केस में जब हम देखें तो इस तरह से अगर इस क्रैक यहाँ पे कहीं पे क्रैक है तो सो ये जो है इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी और यहीं से रिटर्न होकर वापस आ गए। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो, यहाँ से इस तरह से जनरेट हुआ और सम ये क्योंकि जल्दी वापस आ गया अल्ट्रासोनिक वेव, सो देयर विल बी सम डिफेक्टिव इको। यहाँ पे जो है आपको टाइम से पहले ही इस तरह से इको मिल जाएगा। अगर मैं स्क्रीन को देखूँ तो इस तरह से दिखेगा आपको सीआरओ स्क्रीन, इस तरह से ट्रांसमिशन वेव की आई, यहाँ पे डिफेक्ट आया, ठीक है, और ये बैक इको जो आपको मिलनी चाहिए थी ये मिलेगी। तो ये जो आपको यहाँ पे डिफेक्ट के लिए दिख रहा है ये से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इस जगह पे क्रैक है आपके पास। ये आप क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को इधर से इधर मूव करेंगे कंपोनेंट के ऊपर जिस चीज का आपको टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन कि जो है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर बेस है। ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड जो है कि कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, क्रैक आएगा तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो आपका टाइम पीरियड कम आएगा इन द एंड दैट वी यू कैन मेजर बाय यूजिंग योर सीआरओ स्क्रीन। ओके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब एडवांटेजेस की बात करें तो
जो फ्लॉज हैं आपके, मतलब जो डिफेक्ट्स हैं, वो जब आपके कंपोनेंट के अंदर है काफी अंदर तक, उसमें भी डिटेक्ट कर सकता है। जब जबकि हमने ये देखा था कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में जो सरफेस डिफेक्ट्स हैं, देन इट इज ओनली गोइंग टू शो द सरफेस डिफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेंट जो है कंपोनेंट के अंदर नहीं जा सकता। बट इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जो कंपोनेंट के अंदर है दैट इज गोइंग टू इजली विजुलाइज, ठीक। आप जो है कंपोनेंट के अंदर जो डिफेक्ट है वो आप इजली विजुलाइज कर पाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये एक एडवांटेज है, हाईली सेंसिटिव होता है और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, गलत रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं देता है। इजी टू पोर्टेबल है और इजी टू हैंडल है, मतलब इजी टू हैंडल है और इजी टू पोर्टेबल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना इजी है और इसको चलाना काफ़ी इजी रहता है, ठीक। और कंप्यूटर बेस होता है तो रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। सीआरएस स्क्रीन वगैरह रहती है इसमें, तो आपको मतलब सब्जेक्टिव चीज़ नहीं रहती कि ये सही है कि नहीं है, आप स्क्रीन पे देख के पता लगा सकते हैं, नहीं ये जो है इतना ये चीज़ यहाँ पे है, डिफेक्ट है। बट अगर अगर हम लिक्विड पेनिट्रेंट में देखें तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे है कि नहीं है, कई बार काफ़ी छोटे क्रैक्स होते हैं, देन यू विल फाइंड दैट इट इज समटाइम नॉट ईजी टू विजुलाइज। बट इन केस ऑफ सी आर ओ बेस्ड स्क्रीन यू कैन से दैट नो देर इज सब्जेक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है इस केस में, आप बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे डिफेक्ट है, ये जो है स्क्रीन सीधी सीधे इस चीज़ को बता रही है। सेंसिटिव होता है काफ़ी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, छोटे से छोटे क्रैक को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपने कई बार हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, जब आप किसी तरह किसी का अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं तो बेसिकली डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो भी बेसिकली यही है, इसी तरह का अल्ट्रासोनिक वेव्स हम भेजते हैं और आपके जो है वो पता करने की कोशिश करता है कि ये जो है अंदर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आया। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें, ड्यू टू ये मैनुअल ऑपरेशन होता है इसका, ठीक है, मतलब आप जो है इस जो ट्रांसड्यूसर है उसको मैन्युअली इधर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हाईली स्किल्ड पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से इसकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है बिफोर गोइंग फॉर दिस टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट। ये जो है इरेगुलर और रफ सर्फेसिस को एग्जामिन करने में काफ़ी अच्छा नहीं रहता, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी कंपोनेंट में रफ सर्फेसिस हैं, सो व्हाट रफ सर्फेसिस क्या करेंगे, आपकी जो अल्ट्रासोनिक ये जो कांटेक्ट है बिटवीन द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट और जो ये ट्रांसड्यूसर है उसके बीच में जो कांटेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो साउंड वेव क्या है कि साउंड वेव को किसी तरीके का मीडियम चाहिए रहता है ट्रांसफर होने के लिए, तो व्हाट इट प्रोड्यूस यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत रिजल्ट दे देगा, मतलब जो साउंड सीआरओ स्क्रीन अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो रफ सरफेस होगी, सो इट इज गोइंग टू शो डिफेक्ट्स इन द स्टार्टिंग पोर्शन ओनली, ठीक है। इस तरह से आपको जो है डिफेक्ट पहले ही मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो है क्योंकि आप कॉन्टेक्ट ढंग से नहीं हो पा रहा है बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड मटेरियल ड्यू टू इरेगुलरिटीज एंड रफ इरेगुलर सर्फेसिस की वजह से, इरेगुलरिटीज ऑन दी सर्फेसिस की वजह से ढंग से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सम टाइम इट इज गोइंग टू गिव द रॉन्ग रिजल्ट ऑल्सो, ठीक। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब सर्फेसिस डिसकंटिन्यूटीज को दिखाने में ये डिफिकल्ट होता है। सेम टाइप की चीज़ है कि इरेगुलरिटीज का मतलब कि सरफेस की इरेगुलरिटीज की बात हो रही थी ऊपर, तो जो अगर सरफेस के ऊपर अगर सिमिलर टाइप ऑफ थिंग हो रही है कि ये जो है इरेगुलरिटी जो जो क्रैक है अगर सपोज करिए इस तरह से है कंपोनेंट और क्रैक जो है बहुत ही करीब है आपकी जो अपर सरफेस है उसके पास में बहुत पास में क्रैक है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, बिकॉज आप क्या करेंगे इन दैट केस जो ट्रांसमिशन वेव है उसके साथ ही कहीं पे आपको यहाँ पर छोटा सा डिफेक्टिव जो है साउंड वेव मिल डिफेक्टिव इको मिलने की कोशिश होगा, डिफेक्टिव साउंड अल्ट्रासोनिक वेव यहीं से वो हो जाएगा, तो समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑल्सो। तो सब जो सब सर्फेसिस हैं यानी जो जस्ट कम सरफेस के नीचे वाली लेयर होगी उसमें भी कोई क्रैक है उसको अगर डिटेक्ट करना है इट इज़ नॉट वेरी गुड,
ऑप्शन ओके। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोपलेंट्स जो है नीडेड होता है। कोपलेंट जो है एक तरह के लिक्विड होगा। बेसिकली कोपलेंट का काम ये होता है कि सपोज करिए ट्रांसड्यूसर है और ये आपका टेस्ट मटेरियल है, तो आप क्या करते हैं एक तरह का लिक्विड लगाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, ताकि ये जो कोई हल्की सी इरेगुलरिटीज है वो आपकी जो है उसको इफेक्ट ना करे आपकी टेस्टिंग को, और इसके ऊपर एक परफेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसर है आपका और ये जो टेस्टिंग मटेरियल है इसके बीच में जो एयर गैप होगा यहाँ पे, ये कोपलेंट जो इस जगह से इस पे इस तरह से लेयर को बना देगा। ठीक, तो इसमें एक ताकि जो साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव वो ढंग से ट्रांसफर हो पाए, नहीं तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे एयर एयर गैप हुआ हल्का सा भी तो देन इट इज गोइंग टू गिव रॉन्ग रिजल्ट। ओके, तो कोपलेंट यूज करना पड़ता है इस टेस्टिंग के लिए, ये एक बहुत डिसएडवांटेज है। आपने कई बार देखा भी होगा डॉक्टर जो है, अगर सपोज करिए आप कोई लेडी प्रेग्नेंट है, देन व्हाट डॉक्टर यूज टू डू, ही यूज टू पुट सम टाइप ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को जो है आपके स्टमक पे इस तरह से, ये इस तरह से ट्यूब से लगा देते हैं। उसके बाद एक इस तरह से ट्रांसड्यूसर होगा जो जिसके थ्रू वायर जुड़ा होगा, उसको इस तरह से चलाने स्टमक के ऊपर आपके चलाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बेबी है उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरह समझते हैं, बेबी इन दिस केस इज सम टाइप ऑफ डिफेक्ट। ओके, तो उसका शेप और उसका साइज वगैरह पता कर सकते हैं आप बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो सम टाइप ऑफ कोपलेंट इज यूज्ड विच इज वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर दिस वन, और अगर आपने इसका यूज नहीं करा देन यू आर गोइंग टू गेट द रॉन्ग रिजल्ट ऑल्सो। एंड दीज आर सम ऑफ द वीडियोज विच आई रिकमेंड यू टू वॉच टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंस्पेक्शन, डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन एंड अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, विच हुज लिंक्स आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, एंड दीज आर द रेफरेंसेज विच आई यूज टू मेक द प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू।